गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरे वीडियो का इंतजार कर रहे होंगे। तो आज का दिन है संडे और संडे को आप लोग फ्री होंगे और मेरा वीडियो जरूर है कि आप लोग को बहुत ही आनंद आए, आनंद देगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला शायरी। और सबसे पहले मैं बता दूं कि आप देख रहे हैं विक्रम ट्यूटोरियल केमिस्ट्री प्लस कंपटीशन, जहां आपको मिलता है बेहतरीन नॉलेज। तो अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जितने भी मेरे दोस्त, मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, वो ज़रूर मेरे इस चैनल को अलग दूसरे भी ग्रुप में शेयर कर देंगे, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से जरूर जरूर फायदा हो जाए। तो शुरू करते हैं आज का पहला शायरी, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ा और बहुत ही आपकी ज़िंदगी को झकझोर सकता है। तो बहुत गौर से सुनेंगे, बहुत गौर से सुनेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे, ताकि आने वाले दिनों में आपको इससे बहुत ज़्यादा फायदा हो सके और मेरे चैनल से जुड़ने का फायदा हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं पहला मोटिवेशनल बातें। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं, इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। हम वो सब कर सकते हैं जो सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। तो सोचिए, सोचिए दोस्तों कि क्या करना है, और जो सोचे नहीं वो आज सोचना शुरू कर दीजिए। चलिए दूसरी बातें। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वो असंभव लगता है, जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वो असंभव लगता है। इसीलिए काम कीजिए, वो सारा काम आपको संभव लगेगा। तीसरी बातें। आप जिस नज़र से इस दुनिया को देखेंगे आपको दुनिया वैसी ही दिखाई देगी। आप जिस नज़र से इस दुनिया को देखेंगे आपको दुनिया वैसी ही दिखाई देगा। आप बुरी नज़र से देखेंगे तो बुरा दिखाई देगा, अच्छे नज़र से देखेंगे तो अच्छा दिखाई देगा। इसलिए आप पर डिपेंड करता कि आप दुनिया को कैसे देखते हैं। और आप जरूर कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा शायरी, कौन सा मोटिवेशनल बातें आपके दिल को छुआ और जिससे कि आपको फायदा पहुंचा। अगर मेरे चैनल से आपको अगर फायदा पहुंचता है तो अपने दोस्तों को मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेने बोले। तो चलिए चौथी बातें बोलते हैं। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। तो बिगुल बजा दीजिए जुनून का, आपके अंदर में उबाल होना चाहिए खून का, तो ये आसमां भी आपको जमीन पर दिखाई देगा, बस आपके इरादों में जीत की गूंज चाहिए। देखिएगा आप जरूर एक कदम आगे बढ़ जाइएगा। पांचवी बातें। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो इसलिए हौसला रखें और आगे बढ़ें, हौसला रखें और आगे बढ़ें, आपको बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। इज्जत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी, सेवा करो माँ बाप की, जन्नत भी मिलेगी। इसीलिए माँ बाप की सेवा कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि माँ बाप आपको जन्म दिए, आपका लालन पालन किए, तो क्या आपका भी दायित्व तो नहीं बनता कि आप अपने माँ बाप का सेवा करें? बिल्कुल ऐसा ही कीजिएगा, अपने माँ बाप को नहीं भूलिएगा, क्योंकि माँ बाप के छत्र छाया में ही जन्नत है। अगर हारने से डर लगता है तो जीतने की इच्छा मत करना, अगर हारने से डर लगता है तो जीतने की इच्छा कभी मत रखना, क्योंकि हारने से कुछ बहुत चीज़ों का फायदा होता है। हारने से ये पता चलता है कि हार क्यों गए, और आप में वो जुनून आता है और आप जीत जाते हैं। आठवीं बातें। हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी है दोस्त, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। माना कि बरगद और पीपल जैसे विशाल नहीं, माना कि बरगद और पीपल जैसे विशाल नहीं, पर गमलों में उगने वाले तुलसी भी किसी से कम नहीं। तो अपने आप को कमजोर कभी मत आंकें, क्योंकि कमजोर भी कभी कभी बड़े 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 महारथी को भी हरा देता है। बस उसमें एक जुनून होना चाहिए। किसी को हरा देना बहुत आसान है, किसी को हरा देना बहुत आसान है, लेकिन किसी को जीता देना बेहद मुश्किल। ठीक है, तो इसीलिए अपने जीवन में किसी को हराने में बिलीव मत कीजिए, जिताने में बिलीव कीजिए। आप भी जीतिए, दूसरे को भी जिताइए, और अपने ज़िंदगी में तरक्की करते रहिए। तो बताइए दोस्तों, आज का शायरी आप लोगों को कैसा लगा, और कैसा
आप लोग महसूस किए। उम्मीद है कि आप लोग इसे बहुत अच्छा एंजॉय किए होंगे, और आने वाले दिनों में मैं आप लोग को और भी बातें बताऊंगा। तब तक जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। मेरे चैनल का नाम विक्रम ट्यूटोरियल केमिस्ट्री प्लस कंपटीशन, और जो बच्चे मेरे से क्लास लेना चाहते हैं वो विक्रम ट्यूटोरियल ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि मेरे जो चैनल जो जुड़ा हुआ है जिसका नाम है विक्रम ट्यूटोरियल केमिस्ट्री प्लस कंपटीशन, जहाँ मैं पढ़ाता हूँ केमिस्ट्री एवं कंपटीशन, तो मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूँ। और मेरे क्लास का नाम तो आप लोग बता ही दिए, विक्रम ट्यूटोरियल, जो कि देवघर झारखंड में पढ़ता है। अगर जो बच्चे केमिस्ट्री और कंपटीशन क्लास लेना चाहते हैं वो आराम से ले सकते हैं। मैं उन्हें आगे बढ़ाने में भरसक प्रयास करूंगा। अगर आपके अंदर में वो जुनून होगा तो मैं जरूर आप लोगों का मदद करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और कीप स्माइलिंग ऑलवेज।